हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और आज हम लोग प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस है। आप देखो, ये आपके बहुत काम का है और आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि आप सबको पता है, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास में है 1.5 आवर का, और जो मार्क्स है पूरा वो 40 है। ठीक है, क्लास 10 का है। आपको पता है ये फर्स्ट प्री बोर्ड है और 2021-22 सेशन का ये है। ठीक है, बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि ऑल क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन का, वो आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट मीन्स कहा गया है द पॉइंट 2-5 रिफ्लेक्ट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस देन पी डैश इज। आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये मालूम है बहुत अच्छे से कि अगर वो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करेगा क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, बहुत डीपली बताया गया है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस आंसर नहीं करें, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। ये किया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप देख लो, आपको यहाँ दे रखा है एंगल ए सी बी 60 डिग्री है। आपको निकालना है ए ओ बी। ए ओ बी इट मीन सेंटर पे, और ये बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। तो आप समझ गए कि इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर तो आप मुँह से निकाल सकते हो कि 60 का सीधा ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, किसी सिलेंडर की डायमीटर दे रखी है 7 और उसका हाइट है 16 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया कर्व सर्फेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सर्फेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है पाई 2 पाई RH। ये होता है अपना कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला पे पुट डाउन करोगे, सॉल्व करोगे और निकाल लोगे, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ट्रायंगल का जो वर्टिसेस दे रखा है वो ये दे रखा है देन द सेंट्रोइड। आपको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3। ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y2 है, ये वाला x3 है, ये वाला y3। आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। ये एक आइडेंटिटीज बनेगी। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, भाई साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, काफ़ी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे कहा गया मोड निकालिए। मोड निकालना मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्वेश्चन केवल देखते जाओ बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पैटर्न भी आपका क्या होगा, कुछ इसी तरह का रहेगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बढ़ते रहिए। देखो कहा गया है ये लाइन और ये लाइन जो है ये पैरेलल है, तो आपको पी का वैल्यू निकालना है। तो आपको मालूम है इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। स्लोप का फॉर्मेट आप यहाँ पे इस तरीके से निकालोगे, y इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा mx + c, यानी कि x का जो कोफिशियंट है वो आपका स्लोप देगा। इससे भी और इससे भी दोनों से आप सॉल्व करके निकालोगे, इसका आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एंड इट्स अ हाइट, इसकी हाइट दे रखी है इतनी, फाइंड द रेडियस। रेडियस निकाल लोगे क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई RH होता है। यहाँ पे पुट करके आप निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन ग्राफ आपसे कहा गया मॉडल क्लास इन द क्लास फ्रिक्वेंसी, विद द फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है कि इसकी मॉडल क्लास कितनी होगी। अच्छा, मॉडल क्लास क्या आपको बताया गया है, ये है क्या एक्चुअली, तो ये है आपको मालूम है, ये है क्या, तो ये है हिस्टोग्राम। क्या है ये, हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है वही तो आपका हो गया मॉडल क्लास, यानी कि इसका जो मॉडल क्लास होगा वो ये वाला होगा 20 से 30, क्लियर हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी, क्लियर। द मॉडल क्लास इज द क्लास विद द फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो इसका आंसर आपके पास में निकल के आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखो, कहा गया है किसी बैग में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और कहा गया ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है ना, आसान किया है कि नहीं किया है, इट मीन्स मैंने कराया है कि नहीं कराया है, ये कमेंट कर लो बच्चों। क्या पहले सेक्शन में, यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन आपके पास में है, इस 10 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं बताया हो, रिफ्लेक्शन से, सर्कल से, मेंसुरेशन से, देन अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद है मोड से, फिर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन से, फिर मेंसुरेशन से, फिर ये आपका स्टेटिस्टिक्स से, यानी कि अगेन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। क्या कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप ये कमेंट करके बताओ कि नहीं सर आपने रिसेंट लाइव टेस्ट में नहीं बताया, बताया है। इस तरीके की जो वीडियो है ये आपको डेली प्रोवाइड हो जाएगी, बस आपको देखना है 2-3 मिनट समय निकाल के और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट देखो,
सेक्शन बी में आपसे कहा गया है अटैम्प एनी थ्री क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से आपको कोई तीन क्वेश्चन अटैम्प करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, वो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है हमको, तो यही क्वेश्चन बहुत आसान नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर वन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज द सेंटर इज सी। आपसे कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। भाई ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और निकाल लीजिए। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, आइए सेकंड नंबर देखो। आपसे कहा गया ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्रायंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द वोवेल। भाई ट्रायंगल में कितना वोवेल है, आपसे ट्रायंगल में पूछा गया कितना वोवेल है, वोवेल आने का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो इसमें आई वोवेल हो जाएगा, ए वोवेल हो जाएगा, उसके बाद ई वोवेल हो जाएगा, और तो कोई वोवेल नहीं है। आई ए ई वोवेल हो जाएगा टोटल। भाई तीन वोवेल है, कितने में वोवेल है आप इसको निकालिए। तीसरा नंबर देखो, आपसे कहा गया है कौन सा एंगल निकालना है। देखो ये दिया, ये वाला दिया हुआ 35 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 25 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे कहा गया पी आर बी निकालना है, पी आर बी। अच्छा ये पूरा एंगल आपको निकालना है, क्लियर। ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये तो कोण बन रहा है ना, यहाँ से अगर मिलाओगे तो ये कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ओके, ये कोण बन गया, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट आप, अच्छा ये कोण बन गया, अगर ये वाला कोण है, देखो बच्चों अगर ये वाला कोण है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी बी आर, पी बी आर, ये पी, ये बी, ये आर कैसे निकलेगा, ये बी है, ये आर है, ये पी है, कैसे निकलेगा यहाँ पे, ऐसे निकलेगा। आप ध्यान से सुनो, ए बी आपका दे रखा है डायमीटर, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अच्छा 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, ये इधर भी 90 हो जाएगा, और ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा पी बी आर, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल के सम के बराबर ये निकल के आ जाएगा। फिर निकालना है बी पी आर, तो है बी पी आर। अच्छा ये ट्रायंगल पता, ये एंगल पता चल गया था, ये पता ही है, मतलब ये क्वेश्चन आसान है सर्कल का, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन केवल आपको देखते जाना है। देखो बच्चों, कहा गया है इन द, आपसे कहा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द पी, पी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, क्यू आर, ये टावर दिया हुआ क्यू आर, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। हाँ, क्यू आर 50 मीटर हाई इज 60, भाई इसका हाइट दे रखा 50 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ आ गया एंड हाइट ऑफ द टावर पी टी, पी टी का दे रखा है फ्रॉम द पॉइंट क्यू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी टी, इसका निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल, आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये पूरा दे रखा है 50 मीटर, ठीक है, ये वाला पूरा दे रखा है, ये 50 मीटर दे रखा है। हाँ ये नहीं पता, इसको एक्स बना लो, इस ट्रायंगल में पकड़ लो और इस ट्रायंगल में पकड़ लो, सॉल्व करके आप निकाल लोगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे कहा गया बच्चों टू कंसेंट्रिक सर्कल। क्वेश्चन थ्री का वन में आपसे कहा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल आप आर रेडियाई ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोण ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल। अच्छा ये क्वेश्चन पता है आपको, 9 का है, याद रखें, इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे आपसे लेंथ मांगा गया है कोण का, वो उसको टच करके निकलेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोण ऑफ द सर्कल, हाँ यानी कि वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, 9 का ये कुछ छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है 10 में, आसान है, कर लेना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे किसी टेस्ट में। ठीक है, याद रखें। इसके बाद सेकंड नंबर, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखी है इतनी, फाइंड द लैटरल सर्फेस एरिया एंड द टोटल सर्फेस एरिया। काफ़ी आसान है, वॉल्यूम से आप निकाल लोगे रेडियस, उसके बाद आप निकाल लेना लैटरल यानी कि कर्व सर्फेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है, और टोटल सर्फेस एरिया आपको पता है 2 नंबर का है। नेक्स्ट आपको तीसरा नंबर आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, जो कि प्रूफ करना है कॉस थीटा बाई 1 - tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ 10 को कन्वर्ट करना होगा, 10 कन्वर्ट करोगे, इस 10 को तोड़ोगे बेस फॉर्म में, याद रखो 10 को तोड़ोगे बेस फॉर्म में, बाकी जो इक्वेशन निकलेगा उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके इजीली आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे 10 को तोड़ लीजिएगा, सारा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल आपके पास में है, ये आपको दिया हुआ क्लास मार्क, सॉरी क्लास इंटरवल, ये आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है, निकाल लोगे, उसके बाद ओगिब बनाओ, निकाल लोगे, और वहाँ से आपको मीडियन निकालना है, बहुत आसान है, मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन हम आपको ग्राफ पे भी करा देंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
इसमें कहा गया है दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल है, आपको पी का वैल्यू निकालना है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग करके आए हैं कि पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कर लोगे, टेंशन नहीं है। और नेक्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो ये जो क्वेश्चन प्री बोर्ड का है ये काफ़ी आसान है और इतना ही आसान आपके एग्जाम में भी रहेगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। बस हाँ टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहेगा जो कि आपको देखना होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज द सर्फेस एरिया इज 154। देखो बच्चों, जो बच्चे बोल रहे हैं स्पेयर पोर्शन में नहीं है, अगर पोर्शन में नहीं है तो ये साल कोई कैसे क्वेश्चन पूछा गया प्री बोर्ड में। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन बनाने वाले गधे बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ये टीचर है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, इनको पता है कि ये पोर्शन में नहीं है, इसके बाद भी इन्होंने दिया, तो डेफिनेटली आप समझो कि स्पेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत सारा क्वेश्चन स्पेयर से ही पूछा गया पिछले 5-6 साल में, इसलिए इसको जरूर कर लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, कहा गया यूजिंग द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल आपको करना है, पॉइंट ए और बी इसको प्लॉट करना है, कर लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिएगा। कहाँ पे रिफ्लेक्ट करना, ओरिजिन में। जब ओरिजिन में करेंगे तो ए पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, बी पूरी तरीके से, यानी कि ओरिजिन में जब करते हैं तो एक्स भी चेंज होता है और वाई भी चेंज होता है। उसके बाद आपसे कहा गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश, निकाल लोगे। स्टेट द ज्योमेट्रिकल अ नेम फॉर द, जो फिगर बन के निकलेगा उसका आपको क्या करना, ज्योमेट्रिकल नेम आपको बताना कि वो है तो है कैसा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 5 और ये सर्कल से दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मे बी ये बनेगा नहीं आपसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, और अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी टेस्ट में, ठीक है। मेरा काम अभी यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन दिखाना है। इन द गिवन फिगर पी बी इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ओके, सर्कल विद द सेंटर ओ दिया हुआ है, ए बी इज द कोड ऑफ द लेंथ 24, भाई ए बी ये पूरा 24 आपको दे रखा है, और यहाँ से डिस्टेंस आपको दे रखा है एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये 90 पड़ेगा, याद रखो ये 90 पड़ेगा, क्योंकि ये 9 में थ्योरम याद है आपको, सेंटर से जब हम कोड पे डालते हैं, ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो 90 ही होता है। इक्वली डिवाइड करेगा दो हिस्से में, यानी कि अगर ये पूरा आपका कितना है 24 है तो ये 12 हो जाएगा। आपसे कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपी, ओपी का लेंथ आपको निकालना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये आपसे बनेगा तो बनाओगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद की क्लास में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो बच रहा है इसको हम कॉपी में नोट कर लेंगे, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार मैंने बताया है, ठीक है, आपको करना है। कैसे करना है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ोगे, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ोगे, सॉल्व करोगे, निकाल लोगे, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सेलेना की किताब का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, लाइन इतना इन इतना परपेंडिकुलर टू इच अदर फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग टू, अब बच्चे ये नहीं बोल सकते कि सर रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं कराया, कितनी बार कराया है आप देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन जिनका भी प्री बोर्ड में आया है, हाँ जिन बच्चों का है, ठीक है, आप बस ये देखो कि जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक दिखाए हैं, केवल ये वाला जो एक क्वेश्चन है, ये वाला जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का टाइप मैंने नहीं बताया, बाकी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका टाइप मैंने ना बताया हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे बताया है हिस्टोग्राम बनाओ, और क्या करना है, केवल हिस्टोग्राम बनाना है, हाँ, और एस्टिमेट करना है मोड बता दो, तो आपको पता है हिस्टोग्राम की जो बड़ी बिल्डिंग होगी वो मोड होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड हो, क्या प्रोबेबिलिटी है भाई 7 से डिवाइड होने वाला, बिटवीन की बात की गई है, 0 से 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कितना होगा, बीच में ये याद रखोगे तो 7 कितना होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब एपी का फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स। रिसेंट के क्लासेस में भी ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ, नॉट डिविजिबल बाय 7, बाकी जितने बच जाएंगे बीच के नंबर वो डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट, पी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, मतलब ए बी को डिवाइड करता है इस रेशियो में, कैलकुलेट करना कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सो सिंपल, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, आसान है। नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शिप ए एंड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60-40 degree, लाइट हाउस दिया हुआ है 60 meter। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग से इसलिए नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा 40 degree, अब 40 degree का वैल्यू आपको नहीं पता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप पहले क्वेश्चन को रीड करके उसको छोड़ दोगे, ये याद रखो, अदरवाइज वहाँ पे आपको हेल्प लेनी होगी, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये 40 नहीं होना चाहिए, पर आ गया, प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, क्या ही कर सकते हैं, और वो भी ऑप्शनल में है तो इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको 52, ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला गया है ये वैल्यू निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी, निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे एफ एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे बाई एफ वाला लगाओगे, मतलब समीशन एफ एक्स बाई एफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन हमारे पास में था, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, इसमें से जो क्वेश्चंस हमारे नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे
टेस्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।